Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living God. Praise the Lord. On behalf of Life Implication Church International, I welcome you all to today's special service. Life Implication Church International की तरफ से आज की खास सभा में आप सबका अभिनंदन करता हूँ. How many of us do not know why we have gathered here today? हम में से जो यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने हैं जो आज नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं? If you don't know, you can just wave your hand. अगर आप नहीं जानते तो आप सिर्फ अपना हाथ हिला के दिखा सकते हैं. Amen. I'm pretty sure everyone knows why we have gathered here. Amen. मुझे पता है कि हम में से यहाँ हर एक बैठे इंसान को पता है कि आज हम यहाँ क्यों हैं. We are here to celebrate the 60th anniversary of Life Implication Church. Amen. हम Life Implication Church International की 6th anniversary को celebrate करने के लिए यहाँ आए हैं. Without going any further. और आगे चलते हुए. Our request, sister. Salome Jacobs for the opening prayer. मैं सिस्टर सलोमे जैकब्स से अनुरोध करूंगा कि वह प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Most gracious and loving Father, we thank you for this beautiful evening, God. We thank you for enabling us to come here, Lord, in your presence. We thank you and we glorify you, God. हम आपका धन्यवाद करते पिता. आपने ये मुमकिन किया कि हम आपकी हुजूरी में आने पाए प्रभु जी. इस संध्याकाल के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हम जानते हैं अपने वायदे के मुताबिक आप हमारे बीच में हैं. हम धन्य कहते हैं आपके पवित्र नाम को. हम शुक्र करते हैं खुदावन कि आपने ये हमें से हर एक के जीवन में मुमकिन किया कि आज का ये दिन हम देख सके प्रभु जी और हम आपकी हुजूरी में शाम के समय पे आ सके. हम धन्यवाद करते हैं. जितनी देर आपकी उपस्थिति में रहते हैं हमारा गाना बजाना वचन पढ़ना वचन पे मनन करना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य नहीं पाए और आपकी महिमा का कारण बने. एज वी स्टे इन योर प्रेजेंस गॉड लेट आवर वर्शिपिंग लेट आवर सिंगिंग लेट आवर मेडिटेटिंग ऑन योर वर्ड बी एक्सेप्टेबल टू यू लॉर्ड जीसस वी प्रे वी सरेंडर आवरसेल्व्स इन योर माइटी हैंड गॉड. Oh, let we decrease, but let you increase in and through our lives. Father, we pray, God. Hallelujah. Let your Holy Spirit move in this place mightily, God. Hallelujah. Touch each one of us, Lord. All those who are coming, bring them safely on time, God. Pray. Khudavan, jitne bhi log aa rahe hain, Prabhu, unko surakshit leke aaiye, Khudavan. Aur unhe dijiye, Khudavan, aaj kisi manushya se nahi, Prabhu. Lekin Parmeshwar se unki mulaqat hone paaye, Prabhu ji. Har ek ke hriday ke mein, aap khare khare, Prabhu ji. Aapka aatma yahan par mandrane paaye, Prabhu ji. Ek ek hriday, Prabhu ji. आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाए खुदावन. और हम जैसे आए हैं वैसे नहीं प्रभु लेकिन सचमुच आपसे एक नया बल प्राप्त करते हुए आपसे एक नया सामर्थ्य प्राप्त करते हुए यहाँ से जाने पाए हमारी सहायता करिए. सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. प्रभु इस पूरी मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं. खासतौर से अपने स्पीकर और उनकी पत्नी के लिए आपके आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उन्हें सुरक्षित लेके आए. हम सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं. दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो. Praise the Lord. Praise the Lord. People in this place are too quiet. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You know, it's a great honor and privilege to be in this place. हम जानते हैं कि इस जगह में जमा होना परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े आदर और गर्व की बात है. And it's also a great privilege that we serve the living God. Amen. और एक बहुत बड़े आदर की बात है हम सब के लिए कि हम एक जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं. You know, it's not everyone that has that the privilege to see today. हर किसी के पास ये मौका नहीं है कि वे आज के दिन को देख सकें. Others are dead. कई सारे लोग हैं जो मर चुके हैं. Others in the hospitals. कई सारे हैं जो आज हॉस्पिटल्स में हैं। But we thank God that He has given us this privilege to meet here in this place. लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे सभी एकत्रित हो सकें। And at this point in time, और इस समय, we're just going to enter into songs of praise. और इस समय हम गीत की सेवा में enter होंगे। And I would just like everyone to join me as I welcome our praise worship leader, Sister Salome Jacobs. A clap of her as she comes, please. और जैसे सिस्टर सलोमे जैकब्स का welcome करेंगे। Praise the Lord. And as I'm standing here, I'll request all the choir member to come and join me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, God. जितने भी हमारी क्वायर के लोग हैं आप लोग आ सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू द नेम.
में से बहुत से लोग तो जानते हैं हम यहाँ पर क्यों हैं और आराधना हम जब शुरू करते हैं कर रहे हैं वो किस कारण से है, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं जानते ये क्वायर यहाँ क्यों खड़ी है और काय के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं या हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, हम यहाँ पर खड़े हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए, हालेलुया, उसकी इबादत उसकी महिमा करने के लिए। वी आर हियर टू वर्शिप द लिविंग गॉड, हालेलुया। हम एक जिंदा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, द लिविंग गॉड हु हैज क्रिएटेड यू एंड मी, द वन हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स दिस वर्ल्ड, हालेलुया। वी आर हियर, वी हैव गैदर्ड हियर टू वर्शिप दैट गॉड, हालेलुया। एंड आई विल बी रीडिंग Thank you, Jesus. Before we start our worship, मैं हिंदी में भजन संहिता 96 से पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय सिधाई से करेगा, आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो, उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें, यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी पर न्याय करने को आने वाला है, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा, हालेलुया। इस सांस के द्वारा इसमें हमने पढ़ा कि सारी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की आराधना कर रही है, हालेलुया। सारी सृष्टि यानी आकाश पृथ्वी गहरे जल हर एक चीज अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो मैं और आप कैसे चुप रह सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सांस दी है और बाइबल बताती है सांस 150 में कि एक ही क्वालिफिकेशन परमेश्वर चाहता है उसकी इबादत उसकी आराधना करने के लिए, और वो क्वालिफिकेशन क्या है कोई बता सकता है? हर एक जीव जिसमें है प्राण वो अपने यहोवा की आराधना करे, हालेलुया। आप में से कितने लोगों में प्राण है अभी, हाथ उठा के दिखाइए, बस वही चाहिए, ज्यादा अच्छी आवाज नहीं चाहिए और कोई टैलेंट नहीं चाहिए, हमारे अंदर सांस है और हम अपने परमेश्वर की हमारी सृष्टि कर्ता की का धन्यवाद कर सकते हैं, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, कम लेट अस स्टैंड, hallelujah, we'll be worshiping the living God, hallelujah, he's Alpha and Omega, he's a mighty, mighty, mighty God, hallelujah, he's a living Jesus, hallelujah, we'll be worshiping him in truth and spirit, hallelujah, if there's no one else, there's no one like our God, hallelujah, thank you God, open your mouth and start praising your living God, hallelujah, the first song will be, the first song that we are singing is, Behne De Aashishon Ko Aaj, hum aaj apne parmeshwar se kahenge, Prabhu, apni aashishon ko, hum से हर एक के ऊपर बहने दीजिए, let your blessings flow on each one of us God, we are here in your presence God, we want to receive from you Lord, hallelujah, yes God, we all have our weaknesses God, but we know our weaknesses, your power is manifested in our weaknesses God, हम जानते हैं हम से हर एक दुर्बल है, लेकिन तेरी सामर्थ हमारी दुर्बलता में सिद्ध होती है, hallelujah, thank you God. Thank you.
हालेलुया अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपने लिए तो दुनिया जी रही है, अपने लिए तो दुनिया जी रही है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे औरों के लिए जीवन सिखाइए और सबसे पहले तेरी इच्छा के लिए मैं जी सकूं। खुदा हालेलुया, तेरी मर्जी को मेरे जीवन पे जाहिर करिए। God, I want to know your will, Father, and teach me how to live for you, how to live according to your purpose, God, how to live for others, hallelujah, those who are in pain, those who are in sickness, God. For many years I've been living for myself, बहुत साल गुजर गए प्रभु जी, मैं अपने लिए जीती आई हूँ, मेरी सहायता करिए प्रभु की, अब मैं आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी मर्जी के तरीके से, आप जैसा चाहते हैं वैसे जी सकूं। Hallelujah, thank you God, thank you Jesus, time for you to worship your God and ask him to reveal his will for your life, hallelujah, उससे पूछिए प्रभु अपनी मर्जी को मेरे जीवन में जाहिर करिए। Hallelujah, thank you God, come let us worship our God with a song, come now is the time to worship, hallelujah, ताली बजाते हुए, hallelujah, हम इस गीत को गाएंगे। ये समय है परमेश्वर की इबादत, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने का। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु है, the God that is king of kings, he is the Lord of lords, he is Alpha and Omega, he is a mighty, mighty God.